करके सतगुरु के चरणों हाजर लवा के अपना जम सफला करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो, श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, हर गोविंद शुभ सुमत पर काशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, श्री हर कृष्ण मनाऊ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला, श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला, तरों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहे गुरु पुन पुन सीसा, बंदो बार बार जगदीसा। जिस महे अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तुहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई पान चढ़ियो किम शान यो रहे, लख बादल जो ढाप्यो चहे, जिम जिम बाबे की चर्चा पई, थोरे ही मैं बहु बहु फैल गई। पान चढ़ियो किम शान यो रहे, लख बादल जो ढाप्यो चहे, जिम जिम बाबे की चर्चा पई, थोरे ही मैं बहु फैल गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरां दे गुरु, पीरां दे पीर, सरकारे कुल आलम, तख्त ते सुभाए मान, तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र पातशाही अस्थान दे अंदर आप सब संगत हाजरियां भर के सतगुरां दी बख्शिश दे पात्र बन रहे हो। निता प्रत मर्यादा अनुसार इतिहास दी लड़ीवार कथा दी हाजरी भरन वास्ते सतगुरु ने यह समा साडी झोली विच पाया। आओ इस समय नू सफला बनाइए। बीते दिनी सरवण कीता के भाई रतन सिंह पंगू सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे चौजां बारे दसदे आ, किवें गोपाल पांधे नूं जाके तारिया सतगुरु गुरु नानक साहिब ने दसिया। नवाब दौलत खां ने सतगुरु गुरु नानक साहिब दा नाम लिया रसना तों, सच्चे पातशाह दे नाम ने ओहदे वीआं झोलियां भर दित्तियां।
नाम लिये सो सतगुर नानक दुख दर्द मिटे सो भयानक नाम लिये सो सतगुर नानक सुख संपत्ति मिले अचानक सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा नानक धन धन गुरु बाबा नानक। सो सतगुरु गुरु नानक साहब जी की वडियाई अज भी आपां सरवण करनी है। आओ सतगुरु गुरु नानक साहब नूं हाजर जानते हुए मने बिरतियां एकागर करिए। दोनों हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस झुकाउंदे हुए उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चौपाई पान चढ़ियो के मछान्यो रहे। भाई साहब भाई रतन सिंह पंगू कहंदे गुरु नानक साहब दा प्रताप इस तरह जिवें सूरज होवे जिवें सूरज प्रकाशमान होवे ते लुक नहीं सकदा। लख बादल जो ढा प्यो रचहै लखां ही बादल धुंद दे आ जान ते सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा प्रताप भी ऐसा है कि जिस तरह लखां बदल आ जान सूरज दे तेज नूं नहीं लुका सकदे इसे तरह लखां बदलां वर्गे निंदक ते ईरखालू लोक आ जान पर सच है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे प्रताप नूं तेज नूं लुका नहीं सकदे। जिम जिम बाबे की चर्चा पई ज्यों ज्यों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चौज वरतौंदे ने सच्चे पातशाह दी जय जयकारा हो रहीआं धन गुरु नानक साहब दे नाम दी चर्चा घर घर दे अंदर हो रही है। घर घर बाबा गावी है वजन ताल मृदंग रबाबा सारी सत करतार दीआं धुनियां छेड़ के गुरु नानक दी चर्चा करदे ने। थोरे ही मैं बहु फैल गई थोड़े जे समय दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा प्रताप सतगुरु गुरु नानक साहब जी दा तेज पूरे संसार दे तख्ते ते बहुत फैल गया। जिस नर को हुए सीत दबायो कहंदे जिस तरह किसी बंदे नूं ठंड लगदी होवे किसी नूं संसार ते शरीरक सर्दी लगदी होवे किमना चौग वाल अगन सिदायो कहंदे ठंड लग रही होए बंदे नूं ते अग्नि वल अग वल भजदा है कि अग सेकांगा ते ठंड दूर होवेगी। इसे तरह दुनिया दे विच जिन्हां नूं दुखां दी ठंड लगदी है वह सतगुरु की गोद वल भजदे के दुखां नूं दुखां तों जे कोई छुटकारा दवा सकदा है ते सतगुरु गुरु नानक साहिब दवा सकदे ने। जे झोली विच कोई दात पा सकदा है गुरु नानक पा सकदे ने। इसे करके बचन आउंदा मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई गुरु नानक साहिब दा घर ओ घर है जिथे मने इच्छा मुरादा पूरियां हुंदियां ने। दुनिया दुखत होती थी कनी कहंदे संसार दे तख्ते ते लोक बहुत दुखी ने। बाली रोवै नहीं पतार नानक दुखिया सब संसार किसे भी घर नूं वेखो ते दुखां दे नाल भरिया होया है। दर्शन पाए भई सुखमनी पर गुरु नानक साहिब दे दीदारे ऐसे ने जेड़ा दीदारे कर लैंदा उहदे दुख दूर हो जांदे ते सुखां दी मणी मिल जांदी। खालसा जी ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ सो भाई साहब भाई रतन सिंह पंगू कहंदे जेड़ा दीदारे करदा उहदे दुख कट्टे जांदे ने ताईं उह अरदास च पढ़दे श्री हर कृष्ण धिआइऐ जिस डिठै सब दुख जाए वेखदिआं ही दुख दूर हो जांदे ने पर दर्शन करन दी जाच होनी चाहीदी है। गुरु नानक अज भी उही है गुरु हर कृष्ण साहिब अज भी उही ने गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच वरत रहे ने। पर माफ करना खालसा जी जे गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदारे कितेहां दुख दूर नहीं हो रहा ते समझ लियो साडे झुकण दे विच किते ना किते कमी रह गई है। जे झुकना आ जावे ए सतगुरु ते एडा बख्शंद है मोढ़ियां तो चुक के कलावे विच लै के कवेगा सिखा आ मैं तेरी झोली विच दात पावां। जिद्दण कोई प्यार दे नाल घरों चले ना
ते गुरु नानक साहब दे चरणा विच अरदास करके कोई घरों निकले सच जाण्यो जेड़ी भावना लैके घरों निकलोगे तुहाडे गुरु घर पहुंचण तो पहला सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज तखत ते सुभायमान होके हाथ विच दात लैके अपने सिख दी उडीक कर रहे होणगे कि मेरा सिख प्यारा तुर के आ रहा दात लैण वास्ते आ रहा। सो इत्थे मने इच्छा मुरादा पूरियां हुंदियां ऐसा बख्शिंद दर है गुरु नानक साहिब दा। सिद्ध साधक सिद्ध साध जो हिंदू तुरको भाई रतन सिंह भंगू कहंदे सनातन मत दे ते इस्लाम मत दे जिहड़े सिद्ध साध पीर फकीर जिन्ने भी सन उतो जिनो मैं किस थो जुरको कहंदे माड़ी मोटी करा मात ताकत रिद्धि सिद्धि जे किसे कोल हुंदी सी ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਚਰਜ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਓਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਗੰਧਰਵ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਭ ਹਾਰ ਸਦਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੀਝਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਹੋਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਜਮਤੀਆਂ ਅਜਮਤ ਦੇਵੈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਨਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਆਵੇ ਤੈਸੋ ਦੈ ਸਮਝਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਬਾਬੇ ਕੋ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਓਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਵਧਿਆ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰਾਮ ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬੇ ਸੁਰਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਲਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਲੈ ਮਰਦਾਨੋ ਸਾਥਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
सच्ची गल है मेरा निजी अनुभव है खालसा जी के सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे सिख होण दा दावा करना ते बड़ा सखल है पर जिस तरह गुरु नानक साहब ने रब दे नाम दा प्रचार कीता ओ साथों ना होया ते ना हो सकदा क्योंकि अजकल उत्थे जाके ही प्रचार कीता जांदा जिथों सद्दा आवे जिथों मान सन्मान मिले जिथों सिरों पाओ मिलन पर धन गुरु नानक साहब ने उन्हां थावां ते भी जाके रब दे नाम दा होका दिता जिथों चोजी प्यारे बाबे नानक नूं रोड़े भी वजे पत्थर भी वजे। सो गुरु नानक साहब अगे अरदास करिए पातशाह दावा ते करदे आ पर सिक्खी भी झोली विच पा दिओ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने नाल भाई मरदाने नूं लिया एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना सतगुरु गुरु नानक साहब दे नाल भाई मरदाना जी भी उदासियां ते रवाना होए लेओ रबाब उन मोढे चाए भाई मरदाना जी ने बड़े चावां दे नाल मोढे ते रबाब लै लई जै बाबे को खुशी चित आवे कहंदे जिस थां दे उत्ते सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी मौज होनी रबाब बजाए शब्द बह गावे कहंदे उसे थां ते चौंकड़ा ला लेना सच्चे पातशाह रब्बी रंग दे विच सरूरे जाने भाई मरदाने ने रबाब बजाउणी सच्चे पातशाह ने बाणी उचारनी। रबाब नूं नाल रखण दा इक कारण इह भी है के रबाब दे विच सुर भी है ते रबाब दे विच ताल भी है। रबाब वजाउण वेले खालसा जी दो गल्लां कट्ठियां हो जांदियां उहदे विचों सुर भी निकलदा ते तबले दे वाली ताल भी निकलदी। तबला वजाउण दी लोड़ नहीं पैंदी जे नाल रबाब होवे। सो भाई मरदाना जी ने रबाब नाल लई रबाब वजाउंदे ने ते सच है भाई मरदाने ने रबाब केवल बाहर ही नहीं वजाई रबाबी संसार ते बड़े ने मन्ने पर मन्ने ने पर गुरु नानक दे घर विच उहदी रबाब परवान हुई जिने अंदरली रबाब वजाई तेरा जन निरत करै गुण गावै रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहत शब्द बजावै। भाई मरदाने ने अंदरली रबाब वजा करके बाबे दी खुशी लै लई सिद्ध साधक ओ पीर मुरीद कहंदे जिन्ने भी सिद्ध पुरश सन जिन्ने भी साध सन पीर फकीर सन देख पाल होए अगे तुरीद कहंदे ओ भी सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे प्रताप नूं जानदे सन। बड़ियां थावां ते भारत देश दे विच अज भी पीर फकीर ने उस समय भी बहुतात विच सन। सतगुरु गुरु नानक साहिब नूं जदों पता लगना इस इलाके दे विच कोई पीर है कोई सिद्ध है ते सतगुरु गुरु नानक साहिब ने पीरां फकीरां दी भाल करके खुद उन्हां दे कोल पहुंचना जै जै बाबा देश जाए कहंदे जिस दिस देश दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने मुबारक चरण पाए दे उपदेश सच नाम लाए सच्चे पातशाह जी ने उत्थे जा करके नाम दा उपदेश दिता सच दा उपदेश दिता पीर पैगंबर देवी देव कहंदे ओलिए अवतार गंधर्व फरिश्ते पीर पैगंबर जिन्ने भी होए दूर कराई इनकी सेव कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा के संसार दे तख्ते ते पीरां फकीरां ते आपो बने सिद्धां साधां दी सेवा करन नालों रब दी सेवा करन लग जो ओदे मंगते बन जो जिदे ए भी मंगते ने जागत जोत जपै निसवासर एक बिना मन नैक न आनै एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। गुरु नानक साहिब ने कहा जे सेवा करनी है अकाल पुरख दी सेवा कर एक अकाल पुरख वाहेगुरु दे नाम दा आराधन कर क्योंकि सारे औलिए अवतार गंधर्व फरिश्ते भी उस परमात्मा दे दर दे मंगते ने वीर सिद्ध ओ मंत्र तंत्र सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने उन्हां नूं भी जाके सिद्धियां कीता जिन्हां ने मंत्र सिद्ध करके लोकां नूं परेशान कीता होया सी सुने न कहे जाल ज्यों तंत्र कहंदे जिहड़े किसे दी गल नहीं सन सुनदे पर अपने जंतरां मंत्रां तंत्रां दे नाल खालसा जी जा करके लोकां नूं डराउंदे सी। पुराने समय दे विच बहुत ए चलदा सी भारत देश विच के मंत्र सिद्ध कर लेने ते बाद विच लोकां नूं परेशान करना लोकां नूं डराउणा ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने कृपा कीती अकाली बाणी साडे हिरदे विच वसाउण वास्ते सानूं बाणी दे लड़ लाया
कि ना जंतर मैं ना तंत्र मैं ना मंत्र बस आवई पुराने और कुरान नेत नेत कह बतावई सच्चे पातशाह ने कहा ये रब दा नाम जंतरा मंत्रा तंत्रा दे नाल वस च नहीं आउंदा प्यार नाल वस च आउंदा सो यह बड़ा वहम भरम उन्हां समयां दे विच चलिया करदा सी इस करके सच्चे पातशाह ने नाम का उपदेश दिता गुगो लंज ओ भूत जो प्रेत अज भी भारत दे विच लोक गुग्गियां नूं पूजदे ने मड़ियां नूं पूजदे ने सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने गुग्गियां दियां मड़ियां दियां पूजा करन तो रोक करके परमात्मा दी पूजा करन वल लाया नाम नूं सेवन वल लाया क्योंकि खालसा जी मंगना उदे तो चाहिए जेड़ा देन वाला हो ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए दूसरे दे दर ते तां जाइए जे मालक दे दर ते कुछ होवे ना ते जिस मालक दे सी मुरीद हाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रहमतां दे बख्शिशां दे खजाने लैके बैठे आ सिख झोली भरोण वाला चाहिए पुराने समय दे विच अज भी पंजाब दे विच भारत दे विच कई दे थावां दे उत्ते भूतां प्रेतां दा बहुत वहम भरम करदे ने पर कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन विच एक घटना आउंदी है कलगियां वाले पातशाह दे दरबार विच कोई सज्जन आया ते आके सिर घमाउण लग पिया ते सच्चे पातशाह कहिंदे भाई सज्जना इत्थे इस दरबार दे विच आके पखंड ना कर ते कुछ शरीर कहण लगे महाराज नूं भूत चिंबड़िया कलगियां वाले हस के कहण लगे भूतां नूं भूत नहीं चिंबड़दे ते संगत कहण लगी जी इहदा की भाव होया कहिंदे जिन्ने कदे उठ के जपजी साहिब नहीं कीता उहदे तो वड्डा भूत केड़ा जेड़ा बाणी नहीं पढ़ता उहदे तो वड्डा भूत केड़ा ते भूतां नूं भूत नहीं चिंबड़दे भाई बाणी पढ़िया करो गज के बाणी पढ़िया करो प्यार दे नाल कोई भी माड़ी ताकत तुहाडे वल वेख नहीं सकेगी दूर कराए इनके हेत सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने ऐसे वहमा भरमा पखंडा तो तोड़िया अकाल पुरख दी सेवा विच लाया दोहरा तुरकन कै हिंदुअन आन कै जै जै देश जाए कहंदे भावे तुरकां दा इस्लाम मत दा देश भावे हिंदुआं दा सनातन मत दा भावे मुल्तान है बगदाद है मक्का मदीना है ते भावे फिर खालसा जी हरिद्वार होवे बनारस होवे भावे जगन्नाथ पुरी होवे सतगुरु गुरु नानक साहब बिना वितकरे तो गए ते सच्चे पातशाह ने जा करके पखंड दा खंडन कीता ते अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दे सच्चे नाम दा होका दिता ते ए गल समझाई भाई वखावे वास्ते भगती छड्डो वखावे वास्ते धर्मी बनना छड्डो जे धर्मी बनना है ते अंदरों धर्मी बन के रब दी पूजा परमात्मा दी सेवा करो हक परायो उन कहे उसे सूर उस गाए क्योंकि पुराने समय दे विच ते अज भी कई थावां ते चलो ए रो रीति वहम भरम पखंड चलदे ने कि पराया हक खाण दी बड़ी उस समय प्रथा चलण लग पई लोकां ने बाहरों धर्मी बन जाना खुद जप तप ना करना बंदगी ना करनी इबादत ना करनी ते खालसा जी धर्म दे नाम दे उत्ते लोकां दा पराया हक खाण लग पे ते गुरु नानक साहिब महाराज ने समझाया हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए कहंदे जे मुसलमान होके किसे दा पराया हक खादा है ते सजना तेरे वास्ते इस तरह जिवें सूअर दा मांस खा लिया ते जे हिंदू होके किसे दा पराया हक खादा है ते फिर हक पराया खाना इस तरह जिवें गां दा मांस खा लिया क्योंकि दोवें मजहब आपो अपने मजहब दे विच इन्हां दोवां नूं पवित्र मनदे ने सो सच्चे पातशाह ने कहा किसे दा पराया हक ना खा किसे दा पैसा ना मार किसे ते वादी ना कर अपने हथी किरत करके वंड के छकण वल जा वंड के छकण दे राह ते तुर हथी किरत करिया कर काल खाए किस हथों दे नानक राह पछाणे से जे लोकां दी सेवा करनी है हथी मेहनत करके किरत करके फिर उस कमाई दे विचों दसवंद कढ के फिर लोकां दी सेवा कर रब दी दरगाह विच प्रवान होवेगी चौपाई ऐस भांत उन साच सुनाए कहंदे गुरु नानक साहिब महाराज ने इस तरह अकाली बाणी तुरकी बाणी दा उपदेश दे करके सच सुनाउणा कीता देव दो इन साच लगाए ते सच्चे पातशाह बिना वितकरे तो भावे तुरक है भावे हिंदू है बिना वितकरे तो
सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़दे ने। तुर्क करान ओ हिंदुअन वेद कहंदे जे कोई तुर्क है इस्लाम मत दा पैरोकार है ते उन्हूं कुरान दे विचों भी उपदेश दे देंदे ने। जे खालसा जी कोई सनातन मत दा पैरोकार है ते सच्चे पातशाह नूं वेदां दे विचों भी उपदेश दे देंदे ने। वेदां मह नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया। कहंदे वेदां विच भी नाम उत्तम है, पखंड उत्तम नहीं, वखावा उत्तम नहीं, भेस उत्तम नहीं, नाम उत्तम है, परमात्मा दा सच्चा नाम उत्तम है। ते इतिहास विच आउंदा है, आपां सरवण करांगे अगे, जदों मक्के मदीने गए ते सच्चे पातशाह नूं उस वक्त काजी रुकनदीन ने पुछया कि तुसी तां कैसा धारी हो, कैसा धारी हो करके किस तरह फकीर हो गए। ते गुरु नानक साहिब महाराज ने उस वक्त कुरान दे विचों भी उपदेश दे करके ये समझाया कि कुरान विच भी लिखिया कि रोमा दी केसां दी बेदबी नहीं करनी। सो गुरु नानक साहिब महाराज ने कदे धर्म दे नाम ते वितकरा नहीं किया, बल्कि इस तरह होया जेडे अपने ही धर्म दे ज्ञान तो दूर हो गए सी उन्हां नूं दस्या कि धर्म दा असली अर्थ की है। एहो कारण है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो के संसार दे कर्म कांड विच ते उलझ गए पर रब दा भेद नहीं पाया। ते माफ करना खालसा जी जे रोजाना गुरु घर आके कदे नितनेम नहीं कीता ते फिर सिख भी कूर क्रिया दे विच ही उलझिया, सच्ची क्रिया विच नहीं। जे गुरु घर आके हथी सेवा नहीं कीती, जोड़े नहीं चाड़े, भांडे नहीं मांजे ते फिर सच है सतगुरु सानू भी झिड़क देणगे के सिखा सिखी दा रस्ता ए नहीं, सिखी दा रस्ता टिकिया होया है सेवा सिमरण दे। सो जिथे उस वकत सच्चे पातशाह तुरकां हिंदुआं नूं उपदेश देंदे, उपदेश साढ़े वास्ते भी उही लागू हुंदा है। सच्चे पातशाह ने दोवां नूं सांझा उपदेश दिता। वाच कहे उन सच सच भेद, गुरु नानक साहिब महाराज ने मूह जबानी भाव के अपने कंठ तो उचारण करके उन्हां नूं उपदेश दिता। सच्चे पातशाह संसारक अखरां दा उपदेश नहीं देंदे, दरगाही अखरां दा उपदेश देंदे ने कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। एहो कारण है गुरु नानक साहिब कोडे राकश दे सामने जा करके भी सत करतार कह देन ते कोडे राकश दा मन फेरिया जांदा है। मेरे वर्गा बिना बंदगी तो भावे दो घंटे गल्ला करी जावे मन नहीं फिरदे। सो बंदगी होवे, इबादत होवे, कमाई होवे, जीवन विच अनुभव होवे खालसा जी, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਚਲ ਨਾਮ ਦਾ। इस थां दे उत्ते भी सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने अपने मुबारक चरण पाए। उहां मेला था सिद्धन कहो, उत्थे सी सिद्धां दा मेला लग्या होया जदों गुरु नानक साहिब महाराज जी पहुंचे। कर गोष्ठ ते भी जित लए, कहंदे उन्हां सिद्धां दे नाल भी गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने गोष्ठ कीती। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आपां पढ़ सकदे हां सतगुरां दी बाणी सिद्ध गोष्ठ, जिथे सिद्धां दे नाल गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी विचार चर्चा गोष्ठी होई ते सिद्धां ने गुरु नानक साहिब महाराज नूं पुछिया, किस कारण ग्रह तजियो उदासी, किस कारण इह भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जा रे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। सतगुरां नूं पुछिया कि जे वंड के छकण दा किरत करन दा उपदेश देना फिर तुसी किस कारण करके उदासी हो गए, क्यों त्याग कर दिता। ते सतगुरु कहंदे मैं संसार नहीं त्यागिया, संसार दी माया त्यागी है, घर नहीं त्यागिया, घरां दा मोह त्यागिया है। सिद्धो तुसी पुछदे हो उदासी क्यों बनिया, ते गुरु नानक साहिब ने बचन किया सिद्ध गोष्ठ दे विच, गुरमुख खोजत भए उदासी। कहंदे गुरमुखां दी रब दे प्यारियां दी भाल करन वास्ते मैं उदासी बनिया हाँ, भाव के त्याग करके संसार दे रटन वल तुरिया हाँ। सो इस तरह बड़ी लंबी गोष्ठ सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज दी सिद्धां दे नाल होई। लाए सिद्धी ते ऊ थक गए,
कहिंदे बड़ियां सिद्धियां गुरु नानक साहिब महाराज नूं वखाउण, कदे सतगुरु सच्चे पातशाह दे सामने अपने दंद गायब कर लैण, रिद्धियां सिद्धियां दे नाल कदे आकाश विच उड जाण, कदे तेज हनेर चला देण, पर खालसा जी गुरु नानक साहिब दे प्रताप दे तेज दे सामने एक भी सिद्धि नहीं चलदी, सारियां फेल हुंदियां, व्यर्थ हुंदियां ने। सिद्ध कुरलाणे बाल गुंदाई, कहिंदे सिद्ध कुरला उठे जदों एक भी रिद्धि सिद्धि दी ताकत सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज दे सामने नहीं चली, ते जेड़ा बाल गुंदाई फकीर सी उस वेले कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब दी शिकायत लाउण बाल गुंदाई फकीर कोल गए, क्योंकि बाल गुंदाई भी अपने आप दे विच बड़ा वड्डा करामाती अखवांदा सी अपने आप नूं। हार सिद्धन जाए चुगली खाई, ते कहंदे सिद्ध हार के बाल गुंदाई फकीर कोल जाके चुगली लौंदे ने। नानक सिद्ध नवा इक पिया, ते सतगुरु गुरु नानक साहिब बारे कहंदे भी एक नवा ही सिद्ध आके बह गया अपने इलाके विच, ओनू लोकी नानक आखदे ने। सब की लाए सो लै गया, पर ओ साडी सारियां दियां ही रिद्धियां सिद्धियां नू लाई जांदा है, परवाह नहीं करदा। साडियां रिद्धियां सिद्धियां उस नानक अगे चलदियां नहीं, बाल गुंदाई नूं जाके शिकायतां लाउंदे ने। सुनोन सिद्धन कियो हंकार, कहिंदे सिद्ध हंकारी सन, अगो बाल गुंदाई दे मन विच वी करां माता दा हंकार सी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दी जदों चुगली सुनी होर वी हंकार प्रगट हो गया। इहां आवे तों जाऊगा हार, कहिण लगा हंकार च जे बाबा नानक मेरे कोल आवे ते इत्थों हार के जावेगा, जित के नहीं जावेगा। यह सुन बाबा जी उहां सदारे, कहिंदे जदों गुरु नानक साहिब नूं पता लगा भी कोई ललकारदा ते गुरु नानक साहिब महाराज फिर जंग दे मैदान विच नितरे। खालसा जी जोत इक्को ही हुंदी है, जे सूरमा ललकारे शस्त्रधारी ललकारे कलगियां वाले सच्चे पातशाह हाथ विच तेगां पकड़ के उतरदे आ, ते जे कोई रिद्धियां सिद्धियां करामातां दे हंकार नाल ललकारे गुरु नानक साहिब ओहनूं वी भवंट नहीं देंदे आ। मैं खिन मात्र बाल गुंदाई दी साखी आप जी नाल सांझी करां, क्योंकि इस पावन ग्रंथ दे विच केवल झलक मात्र दसिया गया, ज्यादा इतिहास पंथ दे जरनैलां दा, भाई तारू सिंह दा, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर खालसा जी उन्हां सूरमियां दा ज्यादा इतिहास है जिन्हां पंथ वास्ते कुर्बानियां कीतियां, ते सतगुरां बारे झलक मात्र पंछी झात पाई है। कहिंदे बाल गुंदाई नूं बड़ा हंकार सी, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज गए ते बाल गुंदाई कहण लगा बाबा नानक जी नूं कि आओ मैं तुहानूं अपने मसल्ले ते बिठा करके सैर करा लियावां। मसल्ला उस कपड़े नूं कहा जांदा जिस कपड़े दे उत्ते बैठ के इबादत करदे ने। कहिंदे उहने फकीर ने मंत्र पढ़ना, दरिया दे विच मसल्ला तारना ते मसल्ला डुबना ना, उह कपड़ा वस्त्र डुबदा नहीं सी, तैरन लग जांदा सी। गुरु नानक साहिब नूं कहिंदा आओ मैं तुहाडे नाल जाके सैर करके आवां सिंध दी समुंदर दी। सच्चे पातशाह कहिण लगे मेरे ते इन्ना ताकतां दा कोई प्रभाव बहुता नहीं पैणा, जां सैरां करके आ मैं इत्थे डी करांगा। कहिण लगे बाल गुंदाई गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ते प्रभाव पाउण दे चक्कर दे विच मसल्ले ते बैठा मसल्ला तैरन लग पिया। जदों कहिंदे दूसरे कंडे ते पहुंचिया उस किनारे दे उत्ते इक टापू सी खालसा जी, उस टापू दे विच मंजल सी ते मंजल दे विच कुछ सज्जन कट्ठे हो करके रब दी इबादत कर रहे सी, बंदगी कर रहे सी। कहिंदे जदों बाल गुंदाई पहुंचिया वेख्या 20 जाने कट्ठे हो के बंदगी कर रहे ने, ओह वी बंदगी विच शामिल होया। जदों खालसा जी बंदगी दी समाप्ति हुई उन्हां ने उपरंत अरदास कीती खुदा अगे के साडी हाजरी प्रवान करनी ते सानू छकण वास्ते भोजन देना। खालसा जी कहिंदे उत्थे एक सज्जन आया भोजन लै करके सारियां ने रल के छकिया, ओ सज्जन चले गए वी देवी। बाल गुंदाई उत्थे बैठा रहा ते उन्हें वेख्या कि एक जहाज डुबण वाला सी दरिया दे विच, ते कहिंदे बाल गुंदाई ने अपनियां करामातां नाल ताकतां दे नाल उस डुबदे जहाज नूं बचा लिया, ते मन विच हंकार करन लगा भी जहाज डुब जाणा सी जे मैं ना बचाउंदा। दूसरा दिन होया 20 सज्जन फिर आए, उन्होंने बंदगी कीती दुआ कीती, पर कहिंदे अज भी दुआ दे विच भोजन मंगिया ते भोजन लैके कोई ना आया, फिर भी शिकवा ना किता चले गए। बाल गुंदाई फकीर बैठा रहा, कहिंदे जिस इमारत विच बंदगी करदे सी इमारत टठण वाली सी डिगण वाली सी। बाल गुंदाई अपनियां रिद्धियां सिद्धियां नाल
उस इमारत नूं डिगणों बचाउंदा ते हंकार करदा है, जे मैं डिगणों ना बचाउंदा ते डिग जानी सी, टठी जानी सी। तीसरा दिन होया उह सज्जण आए, आके बंदगी कीती, दुआ कीती, भोजन ना आया ते सोचण लगे लगदा है कि साडे विचों किसे ने रब दे भाणे विच विघन पाया, रब दे हुकम विच विघन पाया। ते बाल गुंधाई नवा सी उहदे वल वेखण लगे ते बड़े मान नाल कहण लगा कि मैं जहाज डुबणों बचाया, मैं इमारत टठनों बचाई। ते उह सज्जण कट्ठे होके कहण लगे कि लोकां नूं डुबणों बचाउण दा हंकार करदा, चेते रखी किते आप ना डुब जावे। जदों इह बचन सुनिया ते बड़ा मन विच क्रोध आया कि मैनूं सारे लोक पूजदे ने, इन्हां ते प्रभाव नहीं पै रिहा। कहिंदे क्रोध विच वापस मसल्ले ते बैठा, दरिया दे विचकार जा के मसल्ला डुबणा शुरू हो गया। मसला डुबना शुरू होया ते बेड़ी दे विच उन्हें वेख्या कुछ सज्जन सवार होके आ रहे ने किश्ती दे विच। जदों बेड़ी दे विच उन्हां सज्जणां नूं वेख्या कि उही सज्जण ने जिहड़ी बंदगी कर रहे सन, उह हसण लग पए, कहण लगे दूजिआं नूं डुबण तों बचाउण दा हंकार करदा सी, अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, दस हुण तेरी बेड़ी पार कौण लंघाएगा। कहण लगा मैं बड़े मंत्र पढ़ रहा पर मेरा मसला नहीं अगे वधदा, कि तुहाडे कोल कोई इलम है? जे तुहाडे कोल भी कोई इलमा कलमा ने मैनू दसो, मैं पार लंघ जावां। वह कहण लगे साडे कोल इलमा कलमा नहीं, साडे कोल बाबे नानक दा जपजी साहब है। जिहड़ा जपजी साहब पढ़ लवे ना दरियावां विच डुबदा, ना संसार दे भवसागर विच डुबदा। खालसा जी उन्होंने जपजी साहब पढ़िया ते जदों जपजी साहब दा पाठ किता, मसला वधन लगा। कहण लगा किहदा उचारिया है ए इलम, ए कलम, ए बैंत किन्ने उचारिया है? वह कहण लगे जाहर पीर जगत गुरु बाबा गुरु नानक ने उचारिया। कहिंदे मत्थे ते हाथ मारिया, कहण लगा मैं किहदे नाल मत्था लाया? जिहड़ा दुनिया दा मालक है, आया गुरु नानक दे चरणा ते ठठा खालसा जी। सो यह साखी सी बाल गुंदाई फकीरां दी, भावें अज दे समें विच आपां मन विच सोचदे किस तरह हो सकदा, पर यह पुराने समें विच तप करके मंत्र सिद्ध करके रिद्धियां सिद्धियां नाल लोकां ते प्रभाव पाउंदे सी ते गुरु नानक साहब ने सीधे किते। पर सानू सिक्ख्या लैनी चाहीदी है कि जपजी साहब दे पाठ नूं कंठ विच जरूर वसाउणा चाहीदा। जिहड़ा गुरु नानक दा सिख है जपजी साहब जरूर चेते करे। कवि संतोख सिंह दा बचन है, सिख दी निशानी की है? सोहणे कपड़े पाए होण, दस्तार सजाई होवे, दाढ़ा केस रख्या होवे, ए बाहरली निशानी ते हो सकदी है, पर अंदरली सिखी दी निशानी की है? कहिंदे उस सिख नूं चौंकड़ा लगवा करके कोल बिठा के जपजी साहब दा पाठ जुबानी सुन लिओ। जे जपजी साहब दा पाठ जुबानी आउंदा होया, गुरु नानक दा सिख है, जे पाठ जपजी साहब दा भी जुबानी ना आउंदा होया, फिर चौलां दे फक दी न्याई है, भेख ते हैगा पर सिखी नहीं। सो जपजी साहब दे पाठ नाल प्यार करिए। जिहड़ा जपजी साहब नाल प्यार करदा, बाबा नानक उहदे नाल प्यार करदा। सो बाल गुंदाई फकीर नूं वी गुरु नानक साहिब महाराज ने तारना कीता, उसको जीत गुरे आगे पधारे। बाल गुंदाई फकीर दा मन जित्या गया, गुरु नानक दे शरणी पै गया ते सतगुरु अगां नूं वधे। दोहरा फरीद पटन मुल्तान मद उचन लो जो पीर। सो शेख फरीद इब्राहिम जी दा, शेख इब्राहिम जी दा भी इलाका सी पटन देश, इस इलाके दे विच भी पहुंचे, मुल्तान देश दे विच भी गुरु नानक साहब गए। जदों पटन देश दे विच गए, गुरु नानक साहब महाराज जंगल दे विच कहण लगे, इबादत करदे सी, भाई मरदाना रबाब वजाउंदा सी ते गुरु नानक साहब शब्द उचारदे सी। खालसा जी कहिंदे शेख इब्राहिम जी दा एक सेवक सी, सेवक कमाल, ओ जदों जंगलां विच रोजाना नेम अनुसार लकड़ां लैण वास्ते जांदा सी अपनी कुटिया लई। अज वी नेम दे नाल लकड़ां लैण वास्ते जंगल विच गया, देखिया दो फकीर बैठे ने, एक फकीर दे चेहरे ते जलाल बड़ा है। कहिंदे उस गुरु नानक साहिब महाराज दे जलाल नूं वेख के कोल चलिया गया ते सतगुरु सच्चे पातशाह सलोक उचारदे सन, आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू, एको कही है नानका दूजा काहे कू, दूजा काहे सिमरिया जम्मै ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। एक नू चेते कर जिहड़ा जल थल दे विच रमिया। कहिंदे सुनिया मन भिज गया, भजिया अपने
मुर्शद वाल शेख इब्राहिम वाल जाके कहन लगा अज मैं दो रब दे प्यारियां दा दीदार किता। दीदार करदे ही अंदर ठंडा ठार हो गया, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। शेख इब्राहिम नू कहन लगा मैं दीदार किता, उन्हां दा सलोक सुनिया, मन ठंडा ठार हो गया, शांति मिल गई। कहन लगा की सुनिया? उन्हें शब्द उचारिया आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू, एको कहिया नानका दूजा काहे को। जदो सुनिया ओ भी गुरु नानक साहब दे दीदारियां लई आया। सतगुरु ने दोबारा शब्द उचारिया ते सतगुरु गुरु नानक साहब नू कहंदा मेरे एक सवाल दा जवाब दो। कहन लगे की? कहंदा भी मुसलमान कहंदे साडा खुदा सच्चा, हिंदू कहंदे साडा रब सच्चा, मैनू ए दसो जे रब एक है ते दो दो रस्ते क्यों बनाए हुए, केड़ा सेवी ते केड़ा रदी, मैं किदी गल नू मन्ना ते किदी गल नू ठुकरावां, मैनू दसना करो। ते सतगुरु गुरु नानक साहब हस के कहन लगे फकीर जी राह दोवें खसम एको जान। राह दो हो सकदे ने, खसम एक है, दोवें दावा ते भावें वखरा वखरा करदे ने, पर चेती रखी दोवां दा मालक एक है। ते दूसरा सवाल कहन लगा पटन देश दी गल है, कहंदा रब नू पाया किवें जावे? गुरु नानक साहब कहंदे रब नू पौण वास्ते भावना पत्नी वाली बना, इस्त्री वाली बना, जिवें घर ही मुंद विदेश पिर, नित झूरे संभाले, मिलदियां ढिल ना होवई जे नीयत रास करे। सतगुरु गुरु नानक साहब कहन लगे किसे दा पति परदेश गया होवे, अपने पति दी याद विच रोजाना उन्हूं याद करदी है, उन्हूं पुकारदी है। कहंदे बस इसे तरह रात पैण लगे रब दा भगत बन करके अपने प्यारे कंत अपने पति नूं आवाजां लावे कि एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रे तुद भगवंता, मोहि रैण ना विहावै नींद ना आवै, बिन देखे गुर दरबारे जियो। कहंदे इस तरह पुकारा करे जिस तरह स्त्री अपने पति वास्ते पुकारा करदी है, ते बाहरी भेस बनाउण नालों अपनी नीयत साफ कर लवे ते रब जरूर मिलेगा। ये सच है खालसा जी, अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश प्यार नाल हुंदी है। पटन देश तार के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मुल्तान देश वल वधे। सब हन सो कर गोष्टा ने किसकी छड़ी ततबीर। पर गुरु नानक साहब महाराज जी का सब तो वधिया एक तरीका सी खालसा जी के गुरु नानक साहब जे हरिद्वार गए ते जाके गोष्ट कीती, जे गुरु नानक साहब महाराज जगन्नाथपुरी गए गोष्ट कीती, विचार कीती, विचार चर्चा हुई, पटन गए विचार चर्चा हुई, मुल्तान गए विचार चर्चा हुई, विचारां दे नाल अगले दा आचार बदल दिता। ये गुरु नानक साहब तो सिखिया लैनी चाहीदी है कि सिख सिख दे नाल विचार करदा तत्कार नहीं करदा, तकरार नहीं करदा। सिख दे जीवन विच विचार प्रधान है, तकरार प्रधान नहीं। अज वेखण विच आउंदा है सिखां दे सिखां नाल मतभेद होण ते बहुत जल्दी काहले पै करके रुखेपण विच एक दूसरे नाल बोलदे ने, फिक्का भी एक दूसरे नाल बोलदे ने। पर सिखां नूं गुरु नानक साहब तो सिखिया लैनी चाहीदी है। महाराज हरिद्वार गए पंडतां नाल जाके उत्थे तकरार नहीं कीता, अपने विचार रखे कि जे तुहाडा पानी सूरज तक पहुँच सकदा ते पंजाब तां नेड़े ही है, मेरा पानी पंजाब क्यों नहीं पहुंचेगा। अपने विचारां नाल जितया जितया ते प्रभाव पिया। जे सच्चे पातशाह मक्के मदीने गए ते दसिया कि रब सारियां दिशावां विच है, एक थां नहीं, ते सच्चे पातशाह दे विचारां दा प्रभाव पिया, काजी रुकण दीन गुरु नानक दा मुरीद हो गया। सो इसे करके सानू अपने जीवन विच विचार प्रधान बनाउणी चाहीदी है कि जदों सिख सिख दे नाल होवे ते गुरु नानक दीआं बाणी दीआं विचारां करे। एक मैं बचन जरूर सांझा करदा, सिख नू अपने जीवन विच नेम बनाउणा चाहीदा है, सिख सिख नाल होवे गुरु नानक दीआं गल्लां करे, सिख कल्ला होवे ते गुरु नानक नाल गल्लां करे। जदों दो कट्ठे होण गुरु नानक दीआं गल्लां करे, बाणी दी विचारां करे, ते जदों कल्ला होवे ते फिर खालसा जी सोशल मीडिया ते ना कढ दवे, बल्कि कल्ला बह के बाबे दी बाणी दा जाप करे, सतनाम वाहिगुरु दे विच चित नूं जोड़े। सो सतगुरु गुरु नानक साहिब मुल्तान देश नूं वी जित दे,
उस थां ते जा करके भी नाम दा होका देंदे ने। अज दे समय विच आपां सरवण कीता किस तरह सतगुरु ने बाल गुंदाई ते पटन देश विच शेख इब्राहिम नूं जाके उपदेश दिता, सतगुरां ने मन जिते। आउण वाले दिनां विच होर उदासियां बारे आपां सरवण करांगे। गुरु नानक साहिब दे चरणां च अरदास करिए कि बोलदिआं सुणदिआं नेकां भुल्लां होईआं बख्श लैणा, जो सुणिआ जो सुणाया आपां सारे अपने जीवन विच कमा सकीए। आओ इक वार गुरु नानक साहिब नूं हाजर जाण के शब्द दा जाप करके सतगुरां तों खिमा दे जाचक हो के फतेह दी सांझ पाईए। सारी प्यार दे नाल गज के पढ़ो जी, हे चुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संत के सदा संग निदाराया दार, हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान गुरु प्यारी सत्संग जीओ, आप सकतानु बहुत ही सत्कार योग